हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 15 जनवरी 2019 की प्रीलिम्स एबिलिटी सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ डिस्कशन की तरफ। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो यहाँ पे है हुनर हाट को लेके। तो देखो, कंटेक्स्ट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर है, उसके द्वारा उस्ताद स्कीम एक लॉन्च की गई थी और उस स्कीम के तहत अभी रिसेंटली हुनर हाट है उनका आयोजन किया गया है। तो ये तो हो गया कंटेक्स्ट। तो हम यहाँ पे जानेंगे भाई, एक तो जो हुनर हाट है वो है क्या, और एक हम जानेंगे यहाँ पे उस्ताद स्कीम के बारे में। देखो, उस्ताद स्कीम है वो इसलिए लाई गई थी ताकि जो जो माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जो कि ट्राइबल लोग हैं, उनके जो भी आर्ट्स हैं, उनके जो भी क्राफ्ट, जो डिज़ाइन वगैरह है, जो भी उन्होंने हैंडीक्राफ्ट आइटम्स वगैरह बनाए हैं, या भी जो भी उनके द्वारा जैसे बांस की टोकरियाँ वगैरह काफ़ी सारे वो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाते हैं, तो उन सब की मतलब ऑल ओवर में उनको प्रमोट किया जा सके, उनकी जो भी आर्ट है उसको प्रिजर्व किया जा सके, उसको हेरिटेज के तौर पर संभाला जा सके, माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो आर्ट क्राफ्ट है इन सब के लिए उस्ताद स्कीम है वो लाई गई थी। मतलब उनको उस्ताद के तौर पे यहाँ पे संबोधित किया गया है। इसके बाद में देखो, जो उस्ताद स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी, तो जो हुनर हाट, हाट का मतलब हो गया जो रीजनल छोटे छोटे मार्केट लगते हैं ना, जैसे कई जगह मंडे मार्केट, संडे मार्केट, इस तरीके से, तो उसी तरीके से हाट हैं वो अलग अलग मार्केट होते हैं। तो इन हाट का काम क्या हो गया कि एक तो जो लोकल प्रोडक्ट हो गए इनको मतलब यहाँ पे प्रमोट है वो किया जाएगा, इसके साथ ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटीज हैं वो मिलेगी, एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा माइनॉरिटी जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए। तो ये सारे काम हुनर हाट के द्वारा किए जाते हैं और इसके साथ इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसमें भी काफ़ी बेनिफिट हमें मिलता है। तो ये था हुनर हाट के बारे में और ये हमने देखा यहाँ पे उस्ताद स्कीम के बारे में। ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ जो माइनॉरिटी अफेयर है उसके द्वारा ही ये चीज़ें लॉन्च हैं, वो की गई हैं, ये स्कीम लॉन्च है वो की गई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उसके द्वारा अभी 3 दिन का वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल है वो चंडीगढ़ में आयोजित किया गया है। तो कंटेक्स्ट कुछ काम का है नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक जो फेस्टिवल है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका काम ये है कि इंडिया में जो वुमेन फार्मर हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो खेती से बिलोंग करती हैं, उन सेक्टर को इम्प्रूव किया जाए और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग सेक्टर है वुमेन पे जो डिपेंड है दूर दराज के एरिया में या रिमोट एरियाज में, उन सब पे फोकस करना। मतलब वुमेन का जो पार्टिसिपेशन हो गया ऑर्गेनिक सेक्टर को, ऑर्गेनिक वो खेती की बात करो या फिर जो एंटरप्रेन्योर्स वाला एरिया हुआ, उन सब में वहाँ पर वुमेन्स की हालत है उसको आगे लाने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए ये फेस्टिवल आयोजित किया गया है। ये जो फेस्टिवल है ये एक बिगेस्ट सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, जो कि खाने से संबंधित प्रोडक्ट हो गया, फिर फैब्रिक्स हो गया, फर्नीचर हो गया, इस तरह के जो पर्सनल केयर हुआ, सोलर प्रोडक्ट हुए, इन सब में वुमेन्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसको इंश्योर है वो करता है। स्पॉन्सर किसके द्वारा किया गया है, जैसा देखो अभी हमने डिस्कस किया था कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया है और वो इसे स्पॉन्सर है वो कर रही है। तो ये कुछ इसके बारे में फैक्ट थे। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को लेके। देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है यह एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया के अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट और इसी के साथ ही वुमेन के डेवलपमेंट के लिए या फिर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो भी वॉलेंटरी तौर पे काम करते हैं उनके इनिशिएटिव को सराहता है, या उनके लेके रिसर्च वगैरह, ट्रेनिंग करना, उनके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के काम है वो इसके द्वारा किए जाते हैं। मतलब इंडिया के अंदर वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए जो भी उनके लेके रिसर्च वगैरह है, ट्रेनिंग है और जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो वॉलेंटरी तौर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा किया जाता है। इसको वैसे तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत बनाया गया था और इसका जो हेड क्वार्टर है, जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। तो ये कुछ फैक्ट हमें ध्यान में रखने हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ये एक एजेंसी है, ये काम है वो करती है। इसके 3 रीजनल सेंटर हैं, कोई काम की नहीं है, ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ये ध्यान रख लेना कि यूनिसेफ के द्वारा इसके जो कार्य है, इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसको मतलब रिकॉग्नाइज किया गया है। इसी के साथ ही इसको मॉरिस पाटे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, इस इंस्टीट्यूट ने काफ़ी अच्छा काम है वो किया है। तो ये कुछ फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। यूपीएससी एक तो ऐसे पूछ सकती है मिनिस्ट्री के बारे में, या फिर यह कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर है, या फिर एनजीओ वगैरह क्या है। तो हमें ध्यान में रखना कि भैया सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड एक इंस्टीट्यूट, एक संस्था है जो इसका कार्य है वो मतलब यूनिसेफ के द्वारा भी सराहा गया इसको, और इसी के साथ ही इसको मॉरिस पाटे अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्यों? क्योंकि इसने चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी अच्छा काम किया था।
नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है वन फैमिली वन जॉब स्कीम को लेके। देखो सिक्किम है वो इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने हर फैमिली में एक गवर्नमेंट जॉब है वो प्रोवाइड करवाने का वादा किया है, या एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, तो यह हमें ध्यान में रखना है। अब देखो जिन घरों में गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल नहीं है सिक्किम में, उन घरों में एक एक घर पर्सन को गवर्नमेंट जॉब है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये सिक्किम गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव रखा गया है। हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो इसमें कोई वैसे क्राइटेरिया नहीं है, बस ये फोकस किया गया है कि भाई वो फैमिली जहाँ पे कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब नहीं है एट प्रेजेंट में, वो इस स्कीम की भागीदारी या स्कीम के बेनिफिट लेने के हकदार हैं, तो यह ध्यान में रखना है। और जो जॉब है वो टेम्परेरी बेसिस पे नहीं होगी, 5 साल के बाद उसका रिव्यू किया जाएगा और उसको परमानेंट के तौर पर रखा गया, तो यह चीज़ ध्यान रखना कि टेम्परेरी जॉब नहीं दी जा रही है, यहाँ पर बात की गई है परमानेंट जॉब की। अब देखो इसका सिग्निफिकेंस एक तो हम यूज़ कर सकते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं कि देखो सिक्किम है उसने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कुछ हद तक, मतलब ऐसा तो नहीं बोलेंगे पूरा ही जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट है, बट हम कह सकते हैं कुछ हद तक इससे हमें वहाँ पे मतलब एक मार्गदर्शक एक रास्ता है वो तैयार होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही और हम इसका यूज़ कर सकते हैं जैसे आंसर राइटिंग वगैरह में, कहीं हम मतलब कि सिक्किम के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया वहाँ पे भी, और वैसे भी यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकती है, तो ये कुछ फैक्ट वगैरह हमें ध्यान में रखना है। जो छोटा सा ये मेन फैक्ट इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेके। सबसे पहला फैक्ट कहाँ है तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो गोमती डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे है, त्रिपुरा में। यह ध्यान रखना है कि त्रिपुरा के गोमती डिस्ट्रिक्ट में तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बस ये हो गया फैक्ट इंपॉर्टेंट। अभी न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि देखो इंडिया की जो PSU है ONGC, उसने अभी 12 जो कुएं थे, सॉरी गैस के कुएं थे, उनको डिस्कवर किया था तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो उन्होंने परमिशन मांगी थी नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से कि भाई हम यहाँ पे मतलब खनन वगैरह करना चाह रहे हैं, कुएं वगैरह खोदना चाह रहे हैं इसको लेके। तो अभी जो परमिशन है नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड के द्वारा वो स्वीकृत कर दी गई है, उसी को लेके न्यूज़ आई है। तो ये तो हुआ कंटेक्स्ट, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्यों? क्योंकि तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो अब तक तो होगी नॉर्थ ईस्ट के एरिया में, और यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें चार तरह की हम बात करें मतलब चार तरह की वेजिटेशन है वो पाई जाती है। एक तो इसमें पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, मतलब सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। दूसरी तरह की पाई जाती है इसमें ईस्ट हिमालयन लोअर टाइप की, मतलब हिमालय के निचले हिस्से में जो भंडार नमकीन पौधे पाए जाते हैं वो। तीसरी होगी नम मिश्रित पर्णपाती, मतलब जो मोस्ट डिसीडियस जो फॉरेस्ट होते हैं वो। और चौथी होगी सवाना, ये सावन नहीं है सॉरी सवाना, यहाँ पे सवाना जो घास के मैदान होते हैं वो। तो इस तरह की चार तरह की यहाँ पे स्पीशीज हैं वो पाई जाती हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है वो हो जाता है। आप ये बताइए कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है जो कि MP में है, उसमें भी दो तरह की बायोडाइवर्सिटी का या दो तरह की वेजिटेशन का मतलब मिक्सअप है वो होता है, तो कौन कौन सी उसमें जो मतलब प्लांटेशन या हम वेजिटेशन की बात करें कि जो मिक्सअप होती हैं उसके बारे में भी आपको बताना है। जिस तरीके से तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चार तरह की जो वेजिटेशन है वो आपस में मिक्सअप पाई जाती हैं, मतलब चार तरह के एरियाज मिक्सअप हैं, उसी तरीके से पन्ना टाइगर रिजर्व में भी दो तरह की स्पीसीज हैं वो पाई जाती हैं, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम बात करते हैं नेशनल वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में। देखो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड है वो एक स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यह ध्यान रखना है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इसके तहत इसको रजिस्टर किया गया है और ये एक स्टेचुरी बॉडी हो जाती है। ये एक अपेक्स बॉडी होगी एक तरीके से, जो कि वाइल्ड लाइफ रिलेटेड जो भी मैटर हैं उनको उनसे डील करती है। इसके साथ ही कोई प्रोजेक्ट हो गया वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड उनको अप्रूवल देने का काम होता है, और इसके साथ ही नेशनल पार्क को जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट लगना होता है तो जो भी उससे पहले मान्यता लेनी होती है वो वाइल्ड लाइफ बोर्ड के द्वारा ही दी जाती है। इसीलिए ONGC ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड से मान्यता लेने के लिए मतलब रिक्वेस्ट की थी और वो भी स्वीकृत कर दी गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट का इसका क्या है कि इसके चेयरपर्सन है वो प्रधानमंत्री होते हैं, और वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो वो होते हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट। तो यह कुछ फैक्ट ध्यान में रखने हैं इसके। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा है वह है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल के बारे में। देखो हर साल आपको पता है कि 12 जनवरी को युवा दिवस है वो मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जो प्रतिनिधित्व है स्वामी विवेकानंद का जो हमारे देश के आज़ादी में बोल सकते हो या फिर हम बात करें कि इनलाइटमेंट में भी उनका काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, तो उन सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए उनके जो भी उद्देश्य थे उस टाइम को उनको अमली जामा पहनाने के लिए युवा दिवस की स्टार्टिंग है वो की गई थी। तो अभी जो इस बार का नेशनल युवा पार्लियामेंट जो फेस्टिवल आयोजित किया गया था उसकी थीम थी बी द वॉइस ऑफ
न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी, ये तो थी इस बार की थी। अब इसका देखो जो एलिजिबिलिटी थी इस फेस्टिवल की वो ये थी कि 18 से 35 साल के जो भी यूथ हैं वो इस मतलब पार्लियामेंट जो यूथ पार्लियामेंट है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैसे तो ये तीन तरह की होती हैं, एक तो होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक होती है स्टेट लेवल पे और एक होती है नेशनल लेवल पे। तो ये तो देखो बस एक बार मोटा मोटा रीडिंग मान लेना कि तीन टाइप की मतलब होती हैं, डिस्ट्रिक्ट यूथ पार्लियामेंट, स्टेट यूथ पार्लियामेंट और नेशनल यूथ पार्लियामेंट। इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट खैर ये है नहीं। और जो इसको नेशनल सर्वी अभी किसके द्वारा ये जो सॉरी नेशनल यूथ पार्लियामेंट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है वो इम्पोर्टेंट है। यह ऑर्गेनाइज की जाती है नेशनल सर्विस स्कीम और नेहरू युवा केंद्रा संगठन के द्वारा। तो यह ध्यान रखना है कि नेशनल सर्विस स्कीम और नेहरू युवा केंद्रा संगठन है वो नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल को आयोजित करते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि जो यूथ है इसको प्रमोट किया जाए, इसको सही डायरेक्शन दी जा सके, इसके अंदर देश के आगे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हों या फिर और भी तरह की एक्टिविटीज़ हैं उनमें इनका कॉन्ट्रीब्यूशन उसको सिक्योर किया जा सके। मतलब यूथ को अलर्ट करने के लिए, सही डायरेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल आयोजित हर साल किया जाता है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं NSS के बारे में, यानी नेशनल सर्विस स्कीम के बारे में। देखो ये एक इंडियन गवर्नमेंट का बात की जाए तो ये एक पब्लिक सर्विस प्रोग्राम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर और जो स्पोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट है उसके द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका मोटो क्या है वो देखते हैं। नेशनल सर्विस स्कीम का मेन मोटो ये है कि एक हेल्दी कॉन्टेक्ट है वो तैयार किया जाए स्टूडेंट और टीचर के बीच में, मतलब एक अच्छा ब्रिज है वो तैयार किया जाए स्टूडेंट और टीचर के बीच में। और नेहरू युवा जो केंद्र है या नेहरू युवा संगठन है उनको 1972 में बनाया गया था, 1972 में राजीव गांधी गवर्नमेंट के बाद देखो जो नेहरू विकास केंद्र संगठन इसका नाम चेंज कर दिया गया और ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट के अंतर्गत। तो ये दोनों स्पेक्ट हमें थोड़े ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है एशियन वाटर बर्ड सेंसस के बारे में। देखो अभी रिसेंटली एशियन वाटर बर्ड सेंसस है वो आयोजित किया गया था, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया वो इंपॉर्टेंट है। ये देखो इंडिया के अंदर वेटलैंड इंटरनेशनल और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है BNHS, इन दोनों के द्वारा इनको या इस एशियन वाटर बर्ड सेंसस को आयोजित है वो किया गया था। इसका फ़ायदा क्या था, कहाँ पर आयोजित किया गया वो देखते हैं। देखो केरल के अंदर एक जगह है, एक एरिया है जिसका नाम है अपर कुटानंद जो का जो क्षेत्र है केरला में, वहाँ पे अभी लोकल स्पीसीज और जो रिकॉर्ड और बर्ड्स हैं उनकी मतलब संख्या को काउंट है वो किया गया है जो कि वाटर बर्ड्स में शामिल की गई हैं। देखो यहाँ पे 3 नई स्पीसीज पाई गई हैं, तो एक बार वो थोड़ा UPSC पूछ सकती है कहाँ पे पाई गई हैं तो इनके बारे में पता होना चाहिए। अब देखो केरल है, केरल का जो एरिया वो आपको पता है ओबियसली वेस्टर्न घाट में आता है, तो यहाँ पे एक फैक्ट है वो क्लियर हो जाता है कि भैया जो तीनों स्पीसीज हैं ये वेस्टर्न घाट वाले एरिया में ही मोस्टली पाई गई हैं। एक तो हो गया ग्रेटर फ्लेमिंगो, एक हो गया यहाँ पे ग्रे हेडेड लेपविंग और तीसरा हो गया ब्लू चेक्ड बी ईटर। तो ये 3 तरह की स्पीसीज हैं जो पाई गई हैं केरल वाले एरिया में, तो यहाँ पे इनको नोट डाउन किया गया है। अब जो एशियन वाटर बर्ड सेंसस है वो स्टार्ट हुआ था 1987 में और हर साल इसको जनवरी में ही आयोजित है वो किया जाता है, किसके द्वारा, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वेटलैंड इंटरनेशनल के द्वारा। इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि पब्लिक अवेयरनेस है वो क्रिएट किया जाए डिफरेंट इश्यूज पे ताकि जो वेटलैंड है उनको कंजर्व किया जा सके और जो वाटर बर्ड्स हैं उनको भी कंजर्व करने के लिए फोकस है वो करता है। तो ये था एशियन वाटर बर्ड सेंसस के बारे में। अब हम देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है वो है फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग है वो ऑर्गेनाइज हुआ था कहाँ पे। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया किर्गिस्तान, दूसरा तजाकिस्तान, तीसरा तुर्कमेनिस्तान, चौथा उज्बेकिस्तान। तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पार्टनरशिप सबमिट के बारे में, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि इसके बारे में भी हमने कल ही डिस्कस है वो किया था। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, पहला स्टेटमेंट ये है कि इस सम्मेलन का जो आयोजन है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा संयुक्त तौर पर किया गया है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमने कल जब डिस्कस किया था तो हमने ये पॉइंट छोड़ दिया था कि जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है वो और महाराष्ट्र गवर्नमेंट है इनका भी इसमें पार्टिसिपेशन था। तो यह कुछ एक फैक्ट आपको ध्यान रखना और जो कल की जो न्यूज़ थी उसको आप करेक्ट कर लेना कि जो यहाँ पे पार्टनरशिप सबमिट था 25वां वो ऑर्गेनाइज किया गया था यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वो जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंतर्गत आती है और इसी के साथ ही भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था।
दूसरा स्टेटमेंट है थीम को लेके, किसकी थीम थी, न्यू इंडिया राइजिंग टू ग्लोबल ओकेजन। तो ये आपको बताना है कि दूसरा स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो आया है यहाँ पे लिमोआ के बारे में, कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है उसके बारे में आपको विचार करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि यह फ्रांस और इंडिया के बीच एक समझौता है। दूसरा स्टेटमेंट यह दिया गया है कि इस समझौते के पक्षकारों को ईंधन पहुंचाने, ईंधन भरने और जो पुनर्पूर्ति के एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं तक पहुंचाने की अनुमति है वो प्रदान करता है। तो आपको बताना है लिमोआ के बारे में ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो देखो लिमोआ है वो आपको बता दूं कि इंडिया और यूएसए के बीच में साइन हुआ था, ना कि इंडिया और फ्रांस के बीच में। पहला स्टेटमेंट गलत है। और लिमोआ के तहत ये प्रावधान किया गया था कि इंडिया और जो यूएसए हैं वो दोनों के जो भी मतलब आर्मी से या जो एयरफोर्स वगैरह से रिलेटेड जो भी एरियाज हैं उनमें वहाँ पे ईंधन वगैरह भर सकते हैं, फ्यूल वगैरह, और इसी के साथ ही जो भी उनको बेसिक चीज़ों की जरूरत होगी विदाउट वार। ये ध्यान रखना कि वॉर की कंडीशन में नहीं, मतलब नॉर्मल कंडीशन में, जैसे मानो कि यूएसए का सिर्फ इंडियन ओशन से गुजर रहा है, उसको कोई भी सपोर्ट वगैरह चाहिए हो तो वो इंडिया के जो पोर्ट हैं वहाँ का लॉजिस्टिक सर्विसेज का यूज वगैरह कर सकता है, और इंडिया भी इसी तरीके से यूज है वो कर सकता है। तो मतलब एक तरीके से जो लॉजिस्टिक सेक्टर है इसमें एक्सचेंज करने के लिए कि इंडिया और यूएसए के बीच में साइन हुआ था मिलिट्री आइटम्स के लेके। चौथा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछा गया आपको फ्रॉम द पोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये आपको बताना है कि कौन सी कंट्री है उसने अभी रिसेंटली फ्रॉम द पोर्ट प्रोजेक्ट को साइन है वो किया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दूसरा दिया गया सऊदी अरब, तीसरा दिया गया कतर, चौथा दिया गया यूएसए। तो इसका देखो आंसर है वो होगा ए, ए और बी, सॉरी फर्स्ट और सेकंड। यूनाइटेड एमिरेट्स अरब मतलब दुबई और सऊदी अरब है, इन दोनों ने एक्चुअली जो फॉर्म ऑफ द फॉर्म टू पोर्ट प्रोजेक्ट साइन किया गया। इस प्रोजेक्ट में ये प्रावधान किया गया है कि ये एक्चुअली आपको बताऊं कि इसमें होगा ये इस प्रोजेक्ट के तहत कि इंडिया के अंतर्गत जो यूएई और सऊदी अरब हैं इनके डिमांड के लिए फसलें वगैरह इनकी अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस की जाएंगी। मतलब इंडिया की ज़मीन पे यूएई और सऊदी अरब के लिए प्रोडक्ट्स हैं वो जनरेट किया जाएंगे, फिर उनको वहाँ पे भेजा जाएगा। तो एक तरीके से पोर्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट है वो किया गया, तो ये ध्यान रखना है यूएई और सऊदी अरब के लिए। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन इतनी ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।